हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसे घर पर ही हम मक्का के पापड़ या खिचिये आसानी से बना सकते हैं और इन पापड़ और खिचिये को पूरे साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। यहाँ हमने जो भी सामान लिए हैं उसकी डिटेल आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ सबसे पहले एक बड़ा कुकर लिया है, अब इसमें ऐड करेंगे पानी। अब कुकर को ढककर पानी को अच्छे से उबलने देंगे। जैसे ही पानी उबलने लगा है उसमें ऐड करेंगे अजवाइन, पापड़खार, नमक और लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को अच्छे से पानी में उबाल लिया है। अब यहाँ पर लकड़ी के चम्मच या बेलन की सहायता से मक्की के आटे को थोड़ा थोड़ा इस पानी में मिक्स करेंगे, जिससे आटे में कोई भी गुठलियाँ ना रहे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर मिक्स करते समय आटे की कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा चाहिए। जब यहाँ पर आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, एक चम्मच या कटोरी पर तेल लगा लेते हैं और इस आटे को एक जैसा फैला देंगे ताकि ये अच्छे से एक जैसा कुक हो। और चम्मच पे तेल लगाने से आटा चम्मच पे नहीं चिपकेगा। ऐसा कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और करीब इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो बस यहाँ पर आटा पककर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड में पूरी जाली सी भी बन गई है। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इस गर्म आटे को किसी परात या बड़े बर्तन में निकालेंगे और किसी भी कटोरी या इस तरह के बर्तन की हेल्प से आटे को अच्छे से मसलेंगे, जिससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, इससे पापड़ बहुत ही स्मूथ बनेंगे। इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना है, आटे को ठंडा नहीं होने देना है, नहीं तो बाद में पापड़ी बनाने में मुश्किल होगी। अब हाथों पर तेल लगाएंगे और आटे की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। यहाँ पर पापड़ी को हम पापड़ प्रेस मशीन में बना रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 प्लास्टिक शीट्स ले ली है। इसके ऊपर तेल लगा लेते हैं। अब इस शीट के ऊपर एक लोई रखेंगे और उसके ऊपर फिर से एक प्लास्टिक की शीट लगा लेते हैं, जिस पर भी हमने तेल लगा लिया है, और इस तरह से इसे मशीन में दबाएंगे। हमें चारों ओर से इसको एक जैसा दबाना है। आप चाहें तो प्लास्टिक की शीट में लोई रखकर इसे हाथ से बेल भी सकते हैं। बस इस तरह से मैं बाकी सारी पापड़ियों को भी बना लेती हूँ। तो हमारे यहाँ पर 3 से 4 पापड़ियाँ बनकर तैयार है। अब हम इन्हें धूप में सुखा लेंगे 2 से 3 दिन तक। इन पापड़ियों को शाम में रूम में रख देंगे और फिर से अगले दिन धूप में रखेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 दिन तक करना है। 3 से 4 दिन बाद जब पापड़ सूख जाएंगे तो इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर स्टोर करेंगे। और इन पापड़ियों को एयरटाइट कंटेनर में रखकर पूरे साल के लिए स्टोर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।